टोटल मेटल बंपर फ्रंट ग्रिल बॉडी हाँ जी टोटल अपने मेटल का ही सारा मेटल लगा है। अगर अब हम बैठे हुए हैं इस टाइम पे तो पिछली लुक देख लो कि मून रूफ की नहीं सुन लगती है। बहुत लोग फोटो खींच के पाते हैं अपनी जब सनरूफ वाली गाड़ी के अंदर। हाँ जी ते हर बंदा पूछेगा भी थार में कैसे कराया। टायर जेड़ा व्हील साइज है ओके 20 इंच है ठीक है जी। टायर जेड़ा 37 नंबर 37 का टायर है ना। 5'9" हाइट है मेरी आ देख लो किन्ना का ज्यादा फर्क आ गया। इतना ज्यादा फर्क हाइट का मिल जाता है पर ये कितने के इंच हमने लिफ्ट की है 6 इंच 6 इंच लिफ्ट हुई है ना। म्यूजिक सिस्टम के विच 4 सेट है के सब बूफर्स ठीक है जी बड़े बूफर है 15 इंच ही चारों हो गए ठीक है। 4 इधर ओवल हो गए ठीक है ते 8 मिडा 4 साइड 6 साइड से 2 डोर ठीक है। क्या खर्चा क्या है इसका ये बताओ अभी। अराउंड 2 लाख 2 लाख का कल्ला ही म्यूजिक सिस्टम हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया रख लो। बस सब गई जी कितना सारे होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच सबका लवली रिस्पॉन्स के वीडियोस पे। आज की वीडियो स्पेशली जी एक मॉडिफाइड थार दिखाने लगे हैं। थारें अपने बहुत सारी देखी होंगी नवी थारें पुरानी थारें अलग अलग तरह लोग मॉडिफाई करते हैं। आज जड़ी थार दिखाने लगा उसको मान इन इंडिया बोल सकते हैं। बहुत सोनी तैयार हुई है प्रॉपर लिफ्ट हुई है अच्छा खासा लाइटिंग सिस्टम लगा है म्यूजिक सिस्टम लगा है और कई तरह की मॉडिफिकेशन है जो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जी रॉबिन भाजी की वर्कशॉप में खड़े हैं चन्नी भाजी नाल है। भाजी क्या हाल है। बहुत बढ़िया ठीक है। तो पहले हमने लास्ट वीडियो जी जीपों की दिखाई थी उसमें हमने बात की थी कि हमने वन इन इंडिया थार तैयार करनी है ठीक है। तो इस वाली जो थार तैयार हुई है ऑल मेटल की थार है प्रॉपर आपको मैं दिखाऊंगा। अगला पिछला बम्पर लिफ्ट हुई है टायर साइज बहुत बड़ा कर दिया है पर और बहुत सारा काम हुआ ना इस वाली है ना। इस वाली दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी बिल्कुल। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो जेडे जेडे चैनल पर नवे हैं चैनल को एक बार लाइक तो सब्सक्राइब करो तो मैं शुरू करके दिखाता हूँ। तो जी थार के सामने बिल्कुल आ गए जी चनी भाजी नाल है सारी डिटेल लेके करके देते हैं। सामने से देख लो ऑल मेटल पर जी गाड़ी तैयार हुई है ना अपनी टोटल मेटल बम्पर फ्रंट ग्रिल बॉडी हाँ जी टोटल अपने मेटल का ही सारा मेटल लगा है। भाजी ये सारा जो मेटल का सामान है ये हमने अपने आप तैयार किया ना। हाँ जी ठीक है। मतलब ये कहीं से बाहर से लिया नहीं गया या किसी और से नहीं लिया सारा का सारा अपना इन हाउस तैयार हुआ है। इन हाउस तैयार किया है तो हमें ये डिजाइन कितने होल भी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मतलब डिजाइन सारा तैयार किया हुआ है पर्सनल कस्टमाइज हुआ हुआ सारा बिल्कुल। बाकी कस्टमर जेड़ा कहेगा हम उस कस्टमाइज करके देने को तैयार है बिल्कुल। उन्हां दी चॉइस होनी चाहिदी है कि हां भी जिस तरह जो चाहणगे बिल्कुल उस तरह लग जाऊगा। चलो आ देख लो बम्पर कितना ही सोना बना हुआ है मतलब गाड़ी की लुक ही प्रॉपर चेंज हो चुकी है इस टाइम पे। उसके बाद देख लो यहाँ पे आपको विंच लगी मिल जाती है 12,000 LBS की ना भाई ये वाली। हाँ जी ठीक है 12,000 LBS की विंच है तो जरूरी भी है इस गाड़ी के लिए। ते आखिरी मेरे ख्याल से ओल्ड थार यही वाली इसी साल में निकली थी तो उस हिसाब से देख लो गाड़ी बहुत सोनी तैयार हुई है। भाजी जिस सामने पेंट की बात करें केड़ा पेंट रहेगा टूके पेंट रहेगा ऑल ब्लैक पेंट है। आप बोनट भी देख लो भाजी बोनट भी प्रॉपर हमने चेंज किया ना सारा और देख लो सारा मेटल का काम आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुक है अच्छा। और आती है अब देखो हर जगह पे आपको लाइटें बहुत ज़्यादा दिख रही है भाजी इस बारी मतलब लाइटों का काफ़ी ज़्यादा काम किया ना काफ़ी ज़्यादा ठीक है। देखो लाइटें चेक करो कितनी सारी हर जगह पे आपके यहाँ पे नीचे वाली लाइट्स आ गई ये देखो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे लगे हुए हैं उसके बाद ऊपर बार लाइट आ गई साइड पे लाइट्स आ गई बार लाइट्स के ऊपर भी लाइट्स लगी ओके बार लाइट्स के ऊपर भी आपको लाइटें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं ठीक है जी। देख लो हेडलाइट्स चेंज है प्रॉपर साइड वाले जो अच्छा ये तो नवी थार वाले हैं सारे ना जी। इवन ये लाइटें भी नवी थार में से लगी आ रही है तो प्रॉपर एक मॉडर्न और जो पुराना है उसका मिक्स है प्रॉपर ना देखा जाए तो बहुत सोनी लग रही है ठीक है। इसके बाद जी पाजी आते हैं जी साइड पे टायर के कितने इंच मिल जाते हैं हमें ये टायर जेड़ा व्हील साइज है ओके 20 इंच है ठीक है जी। टायर जेड़ा 37 नंबर 37 इंच का टायर है ना ओके 37 इंच का यहां पे टायर मिल जाता है वी इंच का अलॉय है तो डायरेक्ट फिटिंग ना डायरेक्ट फिटिंग कोई स्पेसर नहीं कोई कुछ नहीं ठीक है इनु हब दे उते डायरेक्ट फिट किता डायरेक्ट फिट तक है ना। अब खड़े होके देखते हैं हाइट बहुत ज्यादा है पर एक सेकंड फड़ोगे जरा आ देखो मैं हाइट आप सबको दिखाता हूं हाइट कितनी ज्यादा है ये मैं खड़ा हूं 5'9" हाइट है मेरी आ देख लो कितना के ज्यादा फर्क आ गया है। इतना ज्यादा फर्क हाइट का मिल जाता है पर ये कितने के इंच हमने लिफ्ट की है 6 इंच 6 इंच लिफ्ट हुई है ना। हाँ जी 6 इंच काफी बढ़िया हाइट होती है इसे काफी ज्यादा होती है ना 6 इंच काफी हो जाती है काफी ज्यादा हाइट है ठीक है। अब आते हैं जी साइड पे आ जाते हैं देखो प्रॉपरली अच्छा यहाँ पे हमारा फुटरेस्ट आ गया ये भाई प्रॉपर मटेरियल
देखो बहुत तगड़ी लुक दे रहा है। देखो साइड पहले इंटीरियर में भी जाएंगे, इंटीरियर में भी एक स्पेशल चीज हमने रखी हुई है ज़्यादा। हाँ देखो ये सारा आपको मिल जाता है, उसके बाद ये आता है हमारा रूफ कैरियर दिखाने वाला। देखो रूफ कैरियर कितना ही सोना बना हुआ प्रॉपरली, देखो ऊपर तक इवन लाइटें देख लो रूफ कैरियर में प्रॉपर, यहाँ पे भी हमने लाइट रखी हुई है ठीक है। देखो पीछे जेरी कैन आपको लगा हुआ मिल जाता है, बाकी डिजाइन तो अपने पर्सनल चॉइस है कि आपने किस तरह का डिजाइन कराना है। बिल्कुल है ना, पिछली टेल लैंप्स देख लो अभी सारे मॉडिफाई किए हुए हैं प्रॉपरली, इवन की कवर भी चढ़ाया हुआ है। अच्छा ये चेसिस से कनेक्टेड है ना, चीज़ें पिछले जो हमने टायर लगाया हुआ है ना। ओके ये यहाँ से ओपन होकर मिल जाता है हमें डायरेक्ट, जैसे आपको आगे भी पहले भी हमने चेंज किया दिखाया था कि प्रॉपरली ये मतलब दरवाजे से नहीं जुड़ा हुआ, चेसिस से अलग जुड़ा हुआ ना ये सारा। हां जी जरा ये अलग फ्रेम बनया हुआ है, मतलब थोड़ा बैक डोर है उधर वेट नहीं आऊगा। ठीक है वो तेरा कोई वेट नहीं आऊगा, क्या बात है, खोलना भी आसान है बाकियों के मुकाबले, नहीं तो दूसरों में नट खोलने पड़ते हैं पूरा, तो इसको खोलना भी देखो आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल लाइट वेट लगता है। क्या बात है, तो फील नहीं होगा तुसी इतना हैवी टायर जड़ा है, सही लिफ्ट करते पे हैं। ठीक है टायर का आप देख लो, वैसे आपको जमीन पे तो दिखाया ही है, आप साइज चेक करो टायर का कितना बड़ा साइज है, हाथ में रखा देखो कितना बड़ा ही, मतलब साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा 37 इंचेस बहुत ज्यादा है, 37 का मैं कह 37 इंच में कह रेंगलर में भी नहीं आता, उसमें भी छोटा 35 इंच का आता है। हां जी क्या बात है, तो ये देख लो लुक देख लो, दोनों साइड जेरी कैन आपको मिल जाते हैं, ये सब चीजें जेरी कैन तो बस डिजाइन का ही पार्ट होता है ना, जेरी कैन जड़ा डिजाइन का ही पार्ट होता है ना। हाँ जी ठीक है, देख लो प्रॉपरली लुक जिस तरह की बाकी आपको चाहिए आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो कितनी सोनी ज्यादा लुक आ जाती है साइड से देख लो। ओके प्रॉपरली रूफ कैरियर देख लो ऊपर तक आपको लगा हुआ मिल जाता है, जो कि लुक बहुत सोनी दे रहा है सच्ची। गाड़ी का एक्सटीरियर तो आपको मैंने दिखा दिया, देखो कितनी ऊंची गाड़ी है। अब हम यहाँ से पहले इंटीरियर एक बार दिखाते हैं आपको, देखो इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाता है, तो मरून तो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ जी क्या बात है, अब जरा सरप्राइज था वो दिखाते हैं, देखो पूरी गाड़ी मून रूफ है ना। हाँ जी पूरी गाड़ी में मून रूफ आपको होके मिल जाती है, थार देख लो इस तरह की ये थार है प्रॉपरली सारी की सारी मून रूफ है ना। ठीक है जितने भी शीशे साइज एक्सटेंड किया ठीक है, साइड ग्लास बैक ग्लास ठीक है, प्रॉपर सारा काम मरून ते ब्लैक का काम हुआ है। सीटें केड़ी गाड़ी की लगाई हुई फिनिशिंग देखो किस तरह की फिनिशिंग आ रही है, मेनली जब लेदर का काम होता है ना सारे यही कहते हैं कि फिनिशिंग नहीं प्रॉपर आई। तो भाई अच्छा एसी वाइट भी हमने चेंज किया है, देखो सारे देखते हैं ना नॉर्मल एसी वाइट अपने मर्सिडीज वाले पहले भी देखे होंगे, पर ये वाले थोड़े डिफरेंट वाले हैं, जेडे अब लेटेस्ट वाले इवेंट्स आ रहे हैं ये वो वाले इंस्टॉल किए हैं, देख लो अभी लाइट इसमें भी जग जाएगी जब हम पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। हाँ जी हाँ ये पार्किंग लाइट पे है, क्या बात है, शाम तुसी बाहर निकलते हैं तुसी लाइट ऑन कीती, बिल्कुल बिल्कुल इन्हां दे विच अलग अलग शेड्स दी लाइट्स, क्या पता शेड्स अलग अलग सारे आ जाते हैं प्रॉपरली। अंदर देखो एंड्रॉइड प्लेयर वगैरह लगा हुआ है, खासकर इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हैवी लगा हुआ, देखो कि पीछे लगा हमारा म्यूजिक सिस्टम, 8 इसमें मिडे लगी है ना, 4 15 इंची ते 4 ओवल। हाँ जी अच्छा ये सारा हमारा सिस्टम लगा है, तो भाई म्यूजिक सिस्टम की कॉस्ट बताओ जरा, आपने मेरे को पहले बताई थी पर अब सबको हम बताएं कितने की कॉस्ट है। म्यूजिक सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਟ ਹੈਗੇ ਸਬ ਬੂਫਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੂਫਰ ਦੇ 15 ਇੰਚੀ 15 4 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਇਹਦੇ ਚ ਓਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 8 ਮਿਡਾਂ 4 ਸਾਈਡ 6 ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਡੋਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਤਾਓ ਵੀ। ਅਰਾਊਂਡ 2 ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਰੱਖ ਲਓ।
सिर्फ 2 लाख का म्यूजिक सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया है, लाइटों का बताया 80,000 तक की लाइटें लगी है, खर्चा पूरा मतलब खुल के हुआ गाड़ी में। इधर डीएसपी प्लेयर तुम दिखाना है, डीएसपी प्लेयर दिखाओ क्योंकि डीएसपी भी बहुत जरूरी है, उसके बिना क्योंकि इतना हैवी उठा ही नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं। और देखो सारा आपको दिखाते हैं, मतलब हर एक चीज का प्रॉपर जो गाड़ी में ध्यान रखा गया, देखो कितना ही सोना यहाँ पे लगा हुआ है, प्रॉपरली आपका सारा ए टू जेड डन किया हुआ है। एसी वेंट देख लो, बहुत सोनी फील आती है, इवन की गियर नोब भी अच्छा, ये चेंज कर दी ना भाई हमने। हाँ जी। ओके, सारी मेटल की गियर नोब है, देखो ठीक है, ओके तो बहुत सोना है। पीछे जे आप दिखा दूं, पीछे आर्मरेस्ट देखो आपको लगे, पर ये आर्मरेस्ट अपने कस्टमाइज है, कस्टमाइज ये खुद बनाए हुए ने। ठीक है जी, तो प्रॉपर ये कस्टमाइज वाले आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, टोटल कस्टमाइज्ड है, इधर विच आर्मरेस्ट भी है, इधर विच कप होल्डर भी है, तो एक थोड़ी जी स्पेस के लिए जगह भी है ना। हाँ जी। तो ऊपर पर जी ऐसा लाइटें इधर अंदर भी लगाई है हमने। बिल्कुल, जिस तरह बंदा पीछे बैठा हुआ है उन्हें लाइट की जरूरत है। बिल्कुल, दोनों साइड पीछे भी लाइटें लगाई है, पीछे मैटिंग देख लो, प्रॉपरली मैटिंग आपको होके मिल जाती है, आपको मरून का जो बैजिंग मिल जाती है, सारी की सारी सीटें बहुत कंफर्टेबल सीटें मैंने देखा है। मैटिंग तुम देखोगे फ्रॉम बॉटम टू लेके और छत तक सारी एक मैटिंग है। ओके, सेम तरह का कपड़ा है, क्या बात, बढ़िया तरीके नाल खुद असीं इत्थे ही बनाया हुआ ना। बनाया हुआ सारा ही, देखो आप जो भी काम देख रहे हो सारा इन हाउस है, बाहर से कोई काम नहीं हुआ हुआ, सारा ही अपना काम किया गया। देखो एक बार चेक करो मैटिंग, देखो प्रॉपरली जो 90 होती है प्रॉपर फैली हुई है मैटिंग गाड़ी के अंदर ना। अब जी गाड़ी के अंदर हम आए हैं आपको सारे स्विच दिखाने के लिए, किस तरह मैंने पूछा था भाई शीशे क्यों लगाया हुआ है, स्विच अंदर कवर किया है। ओके जी, एक मतलब अच्छी लुक मिल जाती है कि स्विच बाहर नहीं देखने को मिलते। बिल्कुल, अगर तुम स्विच भी देखोगे ना तुम कहना बाहर भी लगाया होंगे, बहुत सोहने लगने, सही बात, क्योंकि स्विच बहुत यूनिक डिजाइन के लगे हुए हैं। क्या बात, बहुत सोहनी लग रही है। बारह भी बजे ऑन हो गया, बटन भाई बारो ऑन होगी सारी। हाँ जी सारी लाइट, मैं एक एक करके दिखाते हैं जरा बाहर जाके भी आपको। आ देखो इन पूरी एंग्री बर्ड लुक का, क्या बात है, टोटल मेटल का बनाया हुआ है, टोटल मेटल का। हाँ, एंग्री बर्ड लुक में देख लो ये अंदर लाइटें आ गई। ओके, आ देखो पैरों के अंदर भी भाई वो ब्लिंक हो रही सारी लाइटें। हाँ जी, क्या बात है, रात के टाइम तो मजा ही बहुत आएगा देखने में ना। हूं जिस तरह डे टाइम है लाइट प्रॉपर नहीं दिसती पे, बिल्कुल यही जो शाम का टाइम होया ये रेड कलर इतना ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा देखने को, कि तो लगता कि यार कुछ आ रहा है, वधी आ रहा है। देखो हेडलाइटें हो गई, डीआरएल वगैरह हो गए, इतने लाइटें आ गई, प्रोजेक्टर अपने जग गए हैं, आ देखो इतने भी लग गए हैं, ऊपर देख लो बार लाइट के ऊपर भी जो लाइटें हैं वो भी प्रॉपरली, देखो बार लाइट भी जग रही है, वो प्रॉपर जग रही है, क्या बात है। साइडों से दिखाता हूँ, देखो ये देखो साइडों पर भी लाइटें प्रॉपर दी हुई हैं, मतलब पूरा खर्चा किया हुआ लाइटों पे, पीछे खुला किया जाए, देखो जाए पीछे रिफ्लेक्टर हो गए अपने, बैक लाइटें हो गई, ऊपर वाली लाइट्स भी देख सकते हैं जिसकी मैं गल कर रहा थी, इस टाइम पार्किंग पे है, वो चल रही हैं। क्या बात है, ये भी जी वैगन दी लाइट्स दे रही हैं आप कह रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉपरली हर एक चीज का ध्यान रखा गया, लाइटों की तो सच्ची कोई कमी है नहीं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो टायर बड़ा डालना है तो बबल करता है कई बार, तो वो चीज तो नहीं होगी ना, वो बबलिंग दी प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम उदो आती है जब असि स्पेसर लगाने हैं। सही गल है, ओदे लिए थोड़ी सानू एडजस्टमेंट करनी पैंदी है, प्रॉपर साइज सारा कुछ। एदे विच की है कि तुसी देख सकते हो टायर जेड़े आ, तुसी फ्रंट देखोगे ना, बिल्कुल टायर नु असि डायरेक्ट जेड़ा आ हब दे उत्ते ही लगाया होया है। क्या बात है, एदे विच कोई स्पेसर नहीं है, इस करके एदे विच बबलिंग दा कोई चांस नहीं तुहानू, कोई चांस नहीं मिलेगा ना, तो उस हिसाब से गाड़ी को प्रॉपर वधिया तरीके तैयार किया हुआ। अब ऐ करते भाई गेड़ी मारने चलते हैं, देखते हैं जरा क्या कैसे मजा आता है, कंफर्ट देख सकते हैं। इनू बनाते टाइम सब तो मेन रखा गया फर्स्ट थिंग लुक, लुक ते लुक दे नाल सब तो मेन रखा गया कंफर्ट। बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी दे उत्ते इतना वजन हो जाता है, हुण आ हर एक चीज जिहड़ी आ मेटल की बॉडी एक्सटेंड किया गया, ये मेटल है, सारा मेटल है, ठीक है। इहदे साडे जिहड़ा लगी आ 18 गेज 16 गेज, ठीक है, इस तरह जिथे लोड सी वो चादर लगा के वधिया तरीके नाल किया होया। बिल्कुल, कैमरा लगाया हुआ है, सेफ्टी लई,
फील ही बड़ी अलग आएगी सच्ची बंदे को, प्लस एडा वड्डा डीजे लगाया हुआ हमने पीछे, ठीक है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छिया ने, मतलब कंपैरिजन की गल करिए किसी माड़ा नहीं कह सकते। हूँ थार है पुरानी थार सी 2019 मॉडल जी हूँ आ रही है उस तो पुराना मॉडल है, पर इन मॉडिफाई करता बहुत ज्यादा अलग बन गई। वो लिए कि पुरानी लेगेसी नहीं फील आती उसके अंदर ना। वो थार तुसी गल करो ना, अगर ऑटोमेटिक दी गल करो तो थार ऑटोमेटिक चलाने दा मजा ही नहीं आता। ठीक 4x4 दे विच जो मैनुअल चलाने दा मजा आता, मैनुअल चलाने का जो मजा, ऑटोमेटिक दा मजा नहीं आता। हुण ए 4x4 आ, ओके मैनुअल आ, तुसी इच बैठे हो इदा कंफर्ट देख सकदे हो। सही बात है। इन्नी ज्यादा लिफ्ट करन तों बाद भी 6 इंच ऑलमोस्ट 6 इंच लिफ्ट करन तों बाद भी इन्ना बॉडी वेट होण तों बाद उस तों बाद असीं इहनूं जिहड़ा आ हर एक साइड नो हाइट विड्थ लेंथ बहुत मतलब तीन ही साइड नो अपन एक्सटेंड किया हुआ है। बिल्कुल, तो फिर भी तुसी देख सकते हो इतने बड़े टायर्स पे। सही बात है, कंफर्ट बहुत फील हो रहा है क्योंकि मैं पहले भी ओल्ड थार में बैठा हूं, उतना कंफर्ट नहीं फील हुआ तो वधिया लग रहा है। और प्लस सीटें बहुत वधिया लगाई हुई है, एक तो अपने अकॉर्ड की लगाई है, अकॉर्ड कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अकॉर्ड क्योंकि एक सेडान गाड़ी है तो उस वजह से वो कंफर्टेबल भी ज्यादा है। बाकी जेडी कस्टमाइजेशन रहेगी वो आपके ऊपर, आप कहोगे कि भाई मैं फॉर्च्यूनर की सीटें चाहिए वो भी लगा दोगे ना। बिल्कुल, अगर अब हम बैठे हुए हैं इस टाइम पे तो पिछली लुक देख लो कि मून रूफ कितनी सुन लगती है। बहुत लोग फोटो खींच के पाते हैं अपनी जब सनरूफ वाली गाड़ी के अंदर, हाँ जी, तो हर बंदा पूछेगा भाई थार में ये कैसे कराया, तो इस हिसाब से देख लो कितना ही सोना ये चीज लग रही है जी। फिलहाल जी टाइम है वीडियो एंड करने का, तो अब जी बारी आती है, सबको होता है कि यार अपने चीज दिखाई है तो क्या प्राइस है, क्या हिसाब है इस चीज का ना। तो भाई अब सारे को बताओ जी किसी ने इस तरह की थार तैयार करानी है तो कितने पैसों में तैयार हुई है। हम इसकी पर्टिकुलर बात करें कि ये जो टायर्स लग के लाइटें म्यूजिक सिस्टम सारा लगा के कितने की हुई है यार। देखो तुसी एक छोटा छोटा या आइडिया दे दता, लाइट से इन्ने दी लगियां आ, बिल्कुल सिस्टम इन्ने दा लगा आ, ठीक है। बाकी अगर असि बॉडी दी गल करिए ना वो साडे ते डिपेंड है कि असि उहनूं किन्ना ज्यादा करना चाहुंदे, क्योंकि हुण एक मतलब फिक्सेट नहीं है, फिक्सेट इस करके नहीं है कोई चाहुंदा कि मैं इत्थे मून रूफ नहीं लगाना। बिल्कुल ठीक है, कोई कहिंदा मैं इत्थे रूफ कैरियर जिहड़ा छोटा बनवाना है या ज्यादा बड़ा बनवाना है, बंपर थोड़ा बड़ा करना है होर। बिल्कुल, हुण जिहड़ी उह कहिंदा मैं लिफ्ट करनी है तैयार किया एक्सक्लूड करके किया। एक गाड़ी तो अपनी नहीं थी ना, गाड़ी बंदे की थी जिस, हाँ जी गड्डी होना दी सी, तो हमने टायर्स लगाए थे, बाकी सारा जेड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर वाला काम किया। अपना बॉडी सब तो पहले लिफ्ट किया है, ठीक है, फिर उस तो बॉडी एक्सटेंड किया, विड्थ बधाई है, ठीक है जी, बॉडी की हाइट जी है तुम फ्रंट शीशा देख सकते हैं कितना वड्डा है, काफी वड्डा। देखो हम खड़े हुए हैं तो साइज देख लो किस हिसाब से हम खड़े हुए हैं, पता लग जाता है कि किस तरह। हाँ जी, सारी चीजें शीशे शीशे देख लो, जो फ्रंट शीशा है इन्हें असि 3 इंच जो है वड्डा किया है, 3 इंच बड़ा हुआ है। हाँ जी ठीक है, तो वो कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा हुई काफी है, काफी ज्यादा ना। इसे पाजी ने बताया कि सारी चीजें एक करके हमने बताई कि क्या क्या हमने काम किया, अब प्राइस के लिए ये पाजी ने कहा फोन करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बाकी मैं पाजी की आईडी जी होगी रॉबिन जीप्स के नाम से मैं नीचे मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल उस पे अपडेट पाते रहते हैं जो हम रेगुलरली काम कर रहे हैं। हुण अगर तुसी जड़ी पाजी दी इंस्टाग्राम आईडी है रॉबिन जीप्स आरवी मोटर्स, ठीक है जी, ठीक है, तुसी उते विजिट करोगे ना तुहानू इस गड्डी दा जेड़ा काम आ शुरू से दिखेगा, फर्स्ट डे तो शुरू से दिखेगा, फर्स्ट डे आई है। हां जी, उस दिन की सी
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਬਲ ਬੈਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਬਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ ਬਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਡੀ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਬੈਲ। ਤੇ ਇਸ ਸੇ ਉਹਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗਾੜੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮਤਲਬ ਤਗੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗਾੜੀ ਕੋਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਪ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਮਤਲਬ A to Z ਕਰ ਹੀ ਦਿਆ ਸਟੈਪ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਔਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 37 ਨੰਬਰ ਟਾਏ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 37 ਨੰਬਰ ਟਾਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਥਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲਈ ਜੀ ਆਹੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ।